बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम ग्लूकोनियोजेनेसिस के रेगुलेशन देखने लगे हैं। तो तीन तरह की इसकी रेगुलेशन होगी, एक इंडक्शन रिप्रेशन या इनकी ग्लूकोनियोजेनेसिस के जो इंजाइम्स हैं वो सिंथेसाइज होंगे या उनकी सिंथेसिस हो जाएगी कम। इसके बाद हम कोवेलेंट मॉडिफिकेशन देखेंगे कि जो इंजाइम प्रेजेंट हैं फॉस्फोराइलेशन से उन पर क्या असर पड़ता है, कोवेलेंट मॉडिफिकेशन यानी कि फॉस्फोराइलेशन से उन पर क्या असर पड़ता है। और दूसरा एलोस्टेरिक रेगुलेशन यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जो उनकी एलोस्टेरिक पर साइट पर अटैच होकर उन पर क्या कौन से असर जो है ना वो डालते हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं इंडक्शन एंड रिप्रेशन से। ठीक है, इंडक्शन का मतलब है कि इन इंजाइम की सिंथेसिस को बढ़ा देना। अब हम किसके हिसाब से देख रहे हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस के हिसाब से। तो मैं पहले आपको ऐसे इंजाइम्स बताती हूँ जिनके प्रेजेंट होने से ग्लूकोनियोजेनेसिस के तीनों इंजाइम की सिंथेसिस बढ़ जाती है, उनका जीन एक्सप्रेशन बढ़ जाता है। तो कौन सी इंजाइम है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इंजाइम है, ग्लूकागॉन है। ग्लूकागॉन देखें, ये सारे इंजाइम का मकसद होता है ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना, तो जाहिर है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी बढ़ाना चाहेंगे। और साथ में एपिनेफ्रीन। ठीक है, ये तीन एंजाइम जो हैं ये इंडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। बाकी ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने के लिए कॉर्टिसोल भी इन्वॉल्व होता है, नॉरएपिनेफ्रीन भी होता है, थायराइड हार्मोन भी होता है, लेकिन जो इंडक्शन करवाते हैं इन इंजाइम्स के सिंथेसिस को बढ़ाते हैं वो ये तीन हैं। और जो इन इंजाइम के सिंथेसिस को कम कराते हैं उसके अंदर आ जाती है इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन चाहती है कि बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो, जिसकी वजह से वो ग्लाइकोलाइसिस को बढ़ाती है और ग्लूकोनियोजेनेसिस को कम कराती है। तो पहली चीज़ हमने इंडक्शन को देख लिया। सेकेंड जो है हम देखेंगे किसको, कोवेलेंट मॉडिफिकेशन को। ठीक है, सेकेंडली हम देखेंगे कोवेलेंट मॉडिफिकेशन को। कोवेलेंट मॉडिफिकेशन का मतलब है कि हम जो क्या कहते हैं फॉस्फोराइलेशन करवाते हैं इंजाइम्स की, और इस फॉस्फोराइलेशन की वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसके लिए थोड़ी बड़ी है तो मैं नेक्स्ट पेज करती हूँ। कोवेलेंट मॉडिफिकेशन के अंदर हम दो हार्मोन्स को देखेंगे, एक ग्लूकागॉन और दूसरा इंसुलिन। ठीक है, हमें पता है कि ग्लूकागॉन जो है वो फॉस्फोराइलेशन करवाता है और इंसुलिन जो है वो डी फॉस्फोराइलेशन कराता है। तो पहले हम ग्लूकागॉन को देख लेते हैं। देखिए ग्लूकागॉन किस कंडीशन के अंदर प्रोड्यूस होता है, फास्टिंग कंडीशन के अंदर, जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हुआ होता है। ठीक है, फास्टिंग कंडीशन आई, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हुआ, तो फिर क्या प्रोड्यूस होता है, मैं इन शॉर्ट यहाँ पे लिख रही हूँ, ग्लूकागॉन का लेवल जो है ना वो बढ़ जाता है। ग्लूकागॉन जो है वो CAMP, हमें पता है कि इस मैकेनिज्म के थ्रू वर्क करता है और CAMP के लेवल को बढ़ा देता है। CAMP आगे क्या करता है, ये CAMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे CAMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज ए, मतलब एक्टिव फॉर्म को हम ए कहते हैं, तो CAMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट होगी। इन चीज़ों ने क्या करना होता है, फॉस्फोराइलेशन करानी होती है। तो ये फॉस्फोराइलेशन हुई, फॉस्फोराइलेशन जो है ना, अब यहाँ पे ये दो इंजाइम्स को इफेक्ट करती है। मैं यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस को साथ मिला रही हूँ, ताकि क्योंकि अगर ग्लाइकोलाइसिस इनहिबिट होगी तो हमें जो है एक स्टेप हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस कम हो जाएगा, जिससे ग्लूकोनियोजेनेसिस ज़्यादा अच्छे से चल पाएगी। तो यहाँ पे मैं पहले एक इंजाइम लिखने लगी हूँ, पाइरूवेट काइनेज। आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, जो कि क्या करता है, ये फॉस्फोइनोल पाइरूवेट को कन्वर्ट कराता है पाइरूवेट के अंदर। ठीक है, अगर ये स्टेप होगा तो क्या, कौन सी कंडीशन चल रही होगी, ग्लाइकोलाइसिस चल रही होगी। ठीक है, अगर इसके रिवर्स होता है तो ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है। इसके अलावा ये एक और एंजाइम को इफेक्ट करता है, और वो है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज के सिनेरियो के अंदर मैं एक और एंजाइम को भी आपको साथ में बता देती हूँ, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1, जो कि ग्लाइकोलाइसिस का एंजाइम है, और हमें पता है कि ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करा देता है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के अंदर। ठीक है, अगर ये प्रोसेस है तो यहाँ पे क्या हो रही होगी, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, और ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर यही प्रोसेस जो है रिवर्स हो रहा होता है, यहाँ पे फॉस्फोटेज एंजाइम यूज़ होता है, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज। इन चीज़ों के अंदर टाइम लग रहा है, लेकिन आपको इस तरह से कंसेप्ट आ जाएगा। ठीक है, जिस तरह से मैं ये बना रही हूँ, तो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 जो है, अगर ये स्टेप चल रहा है तो यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस होगी, लेकिन अगर फॉस्फोटेज एक करके फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना रहा है तो यहाँ पे क्या हो रही होगी, ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब असल में यहाँ पे अब हम दोबारा आ जाते हैं, ये चीज़ आपको पता चल गई। अब हम यहाँ पे दोबारा आ जाते हैं, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज की दो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, दो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ में एक होती है इसकी काइनेज एक्टिविटी और एक इसकी होती है फॉस्फेटेज एक्टिविटी। काइनेज एक्टिविटी जो है ना
वो फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट को कन्वर्ट करा देती है फ्रुक्टोज 2,6-बिस्फॉस्फेट के अंदर। देखिए फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 था तो उसने फ्रुक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट में कराया, अगर 2 की काइनेज एक्टिविटी होगी तो फ्रुक्टोज 2,6-बिस्फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट कराएगी, और जो इसकी फॉस्फेटेज एक्टिविटी है ना वो इसको कन्वर्ट करा देती है दोबारा फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट के अंदर जिससे पहले ये बना था। ठीक है, ये चीज़ आपने जनरल देख ली। उसके बाद जो है ना हम आगे आ जाते हैं, हम शुरू से जो इंजाइम हम यूज़ कर रहे थे, ठीक है, ये मैंने आपको बता दी कि कैसे कैसे ये होते हैं। अब अगर ग्लूकागॉन है, फॉस्फोराइलेशन हो रही है, पाइरूवेट काइनेज की अगर फॉस्फोराइलेशन होती है तो ये इनहिबिट हो जाता है। अगर ये चीज़ इनहिबिट हो जाएगी, ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ये इनहिबिट कर रहा है, नेगेटिव का मतलब है इनहिबिट कर रहा है। अगर ये इनहिबिट होगा इसका मतलब है ग्लाइकोलाइसिस क्या हो जाएगी, कम। अगर ग्लाइकोलाइसिस कम हुई इसका मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या हो जाएगी, ज़्यादा, ये ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब है एक तरह से ग्लूकोनियोजेनेसिस को इसने बढ़ा दिया, किस तरह, पाइरूवेट काइनेज को इनहिबिट करके इसने ग्लूकोनियोजेनेसिस को बढ़ा दिया। दूसरा, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज को ये क्या करती है, जब फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज पर एक फॉस्फेट आके अटैच होता है ना तो इसकी फॉस्फेटेज एक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, फॉस्फेटेज एक्टिविटी बढ़ जाती है और काइनेज एक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। देखिए काइनेज एक्टिविटी ने क्या बनाना था, फ्रुक्टोज 2,6-बिस्फॉस्फेट। ठीक है, काइनेज एक्टिविटी ने क्या बनाना था, फ्रुक्टोज 2,6-बिस्फॉस्फेट। अगर ये एक्टिविटी कम हो जाएगी तो फ्रुक्टोज 2,6-बिस्फॉस्फेट क्या हो जाएगा, कम। तो हमारे पास ऐसी कंडीशन आ गई है जिसके अंदर फ्रुक्टोज 2,6-बिस्फॉस्फेट हमारे पास कम हो गया है। अब देखते हैं फ्रुक्टोज 2,6-बिस्फॉस्फेट का इन दोनों एंजाइम्स पर क्या असर होता है। फ्रुक्टोज 2,6-बिस्फॉस्फेट जो है इस एंजाइम को एक्टिवेट करती है, और यहाँ पे ये वाला एंजाइम है फ्रुक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेटेज, इसको ये करती है इनहिबिट। ठीक है, अब ये इसको स्टिमुलेट कर रही थी, इसको इनहिबिट कर रही थी, अब इसका लेवल क्योंकि कम हो गया है तो यहाँ पे इसका लेवल कम हो गया तो इसको स्टिमुलेट नहीं कर पाएगी। स्टिमुलेट इसको किस तरह से करती थी कि ये फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट के लिए इसकी एफिनिटी को बढ़ा देती थी। नॉर्मल कंडीशन के अंदर बॉडी के अंदर जब एटीपी का लेवल ज़्यादा होता है तो वो इस एंजाइम को इनहिबिट करना शुरू कर देता है, लेकिन तब क्या होता है, फ्रुक्टोज 2,6-बिस्फॉस्फेट आके एटीपी के जो इफ़ेक्ट है इसके ऊपर उसको ओवरकम करता है और साथ में इसकी एफिनिटी फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट के लिए बढ़ा देता है। तो इस तरह से इसको स्टिमुलेट करता है और दूसरा इसको ये इनहिबिट कर रहा है। देखिए इसका लेवल कम हो गया तो ये चीज़ इसकी एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ग्लाइकोलाइसिस यहाँ पे क्या हो जाएगी, इनहिबिट, और इसको ये इनहिबिटरी इफेक्ट इसका ख़त्म हो जाएगा तो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो हमने देख लिया कि किस तरह से ग्लूकागॉन अपनी ये एक्टिविटी, फॉस्फोराइलेशन वाली एक्टिविटी को यूज़ करके एक तो पाइरूवेट काइनेज को इनहिबिट करता है जिसकी वजह से ग्लूकोनियोजेनेसिस ज़्यादा हो जाती है, और दूसरा ये जो यहाँ पे फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 को मतलब इनहिबिट करके एक तरीके से, और इसको फ्रुक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेटेज को एक्टिवेट करके ग्लूकोनियोजेनेसिस को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ये जो है हमने ग्लूकागॉन का स्पेसर देख लिया। इसके साथ ही ये मैं चीज़ें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं कि इंसुलिन का क्या इफेक्ट होता है, मैं साथ में ग्लाइकोलाइसिस को भी कवर अप कर रही हूँ और साथ में ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी कवर अप कर रही हूँ। तो अब इंसुलिन का इफेक्ट हम देखते हैं। इंसुलिन कब यहाँ पे आएगा, जब हम फैट स्टेट के अंदर होंगे। ठीक है, फैट स्टेट होगी बॉडी के अंदर, फैट स्टेट होती है तो इंसुलिन का लेवल क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। इंसुलिन का लेवल ज़्यादा होगा तो इंसुलिन सीएमपी के लेवल को कम करेगी। ठीक है, ये चीज़ें सारी क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी, काइनेज एक्टिविटी भी कम हो जाएगी और फॉस्फोराइलेशन, अगर हम ये डायरेक्टली कह दें कि ये करवा देती है डी फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, इंसुलिन क्या करा देती है, डी फॉस्फोराइलेशन। अब डी फॉस्फोराइलेशन का इफेक्ट जो है ना बिल्कुल इसकी ऑपोजिट होता है। डी फॉस्फोराइलेशन यहाँ पर क्या करेगी, वो स्टिमुलेट करती है तो ये ब्राउन कलर वाली इंसुलिन क्या करेगी, वो इनहिबिट करती है तो ये क्या करेगी, इसको स्टिमुलेट करेगी। वो जो है इसको इसकी काइनेज एक्टिविटी को कम कर रही थी तो ये इसकी काइनेज एक्टिविटी को क्या करेगी, बढ़ा देगी और इसकी फॉस्फेटेज एक्टिविटी को कम कर देगी। ठीक है, मैं कंपैरिजन करके दिखा रही हूँ। काइनेज एक्टिविटी अगर बढ़ेगी, वो उसने कम कर दिया था, ये क्या करेगी, इसकी काइनेज एक्टिविटी को बढ़ाया है तो इसने फ्रुक्टोज 2,6-बिस्फॉस्फेट का लेवल बढ़ जाएगा। यहाँ पर इसका लेवल यहाँ पर बढ़ेगा